बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, तुसां देखदे पियो यूट्यूब चैनल थाल देवासी। दोस्तो आज दी वीडियो एक बड़े प्यारे भाई उन्हें एक सवाल किया है उसे के भाई जान ईद का दिहाड़ा है, माशाल्लाह तुसां रोजे भी रखे, नमाजा भी पढ़िया, तरावियां भी पढ़िया, लेकिन तुसां शेव शूव नहीं कराई, तुसां बड़े फ्रैश रहने वाले बंदे आए, की चक्कर है, की मसला है? मैं उस अपने प्यारे भरा नूं मैसेज देना चाहता भाई जान के जिस टाइम राती नींद ना आई आती, नींद क्यों ना आई आती, उसकी वजह मैं तुम्हें दसावना चाहता भी क्या मसला है। उस भाई मैं अपना जवाब देना चाहता और अपने देखने वाले चाहन वाले प्यार मुहब्बत वाले के असान अलहमदुल्ला अल्लाह ताला ने मुसलमानों के घर पैदा किया है और अल्लाह ताला ने सन ईमान की ताकत दीती है। मेरे वीर मैंने शेव इस तू नहीं कराई, अज ईद दिहाड़ा आई, अलहमदुल्ला ईद भी पढ़ी है, लेकिन फलस्तीन के अंदर जरा जुलम बरबरीयत तो इसराइल कर रहे हैं, मैं उस वास्ते तुम जवाब देना चाहता कि राती अगर मैं एक बजे मेरी अख खुली तो मैं फेसबुक में खोलिया, उन्हें चीख पुकार सा मावं भैं बतरियाँ जितने भी सारे रिश्ते अलहमदुल्ला मुसलमान है, खुदा की कसम नींद नहीं आती, सुकून जिंदगी का जरा लग गया है, सारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, जितने खलोते हैं इस टाइम मौजूद हैं, इस हज़ार हाँ मेरे शहर के लोग जड़े ना लगे गए इस नहर के अंदर बुर के मर गए, मौत बार हक के ईमान इस चीज़ उत्ते कि मौत आमनी है तो असा मर वे ने, लेकिन मौत भी इंज दी आवे कि अल्लाह भी राजी होए तो उदा रसूल भी राजी होए, वो लोग साडे उत्ते उम्मीद और यकीन ला के बैठे हैं कि पूरी दुनिया के अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है, जिस नाल उम्मीद आई अल्लाह तो बाद पाकिस्तानी नाल उम्मीद आई, सारे नाल उम्मीद आई, लेकिन सारी जिंदगी का फायदा कोई नहीं, सारी जिंदगी का फायदा कोई नहीं, सारे जीवन का फायदा कोई नहीं, सारे इस जीवन का मकसद ही कोई नहीं, खुदा की कसम करके आता पे अगर पाकिस्तान हुकूमत आज ऐलान कर दे जिहाद का तो यहूदी को पता लगे कि मैं को टक्कर का बंदा मिले, लेकिन असा हैरान है अपनी हुकूमत से और अपने हुक्मराना से कि इन्हों की हिस भी खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर अगर उन्हें कहन पुकारे तो कहन पुकारे पाकिस्तानी ने पुकारे अपने बिरावन पुकारे, लिहाजा इस वास्ते मेरा वीडियो बनाने यही मकसद है, राती 12 बजे 1 बजे 11 बजे जिस टाइम भी अख खुली खुदा की कसम नींद उड़ गई, चेहरे की रौनक भी लगी गई है, अंदर का सुकून भी लग गए, हालांकि बाबरकत महीना आई, अलहमदुल्ला रोजे भी सारे रखे, नमाजा भी पढ़िया, लेकिन दिल में एक सुकून कोई नहीं, सुकून क्यों कोई नहीं कि असा मुसलमान है और मुसलमाना नाल के हुंदा पे, गजा पूरा तबाह हो गया है, असा लोग बेहोश हैं, सारी हिस खत्म हो गई है, सन टस तू मस्त पता को नहीं, लिहाजा असा अपनी हुकूमत को आखना चाहते हैं अल्लाह दा वास्ता ने सन तुसा इजाजत दो और जिहाद का ऐलान करो, यहूदियों पता लगे कि किन्हा नाल सारी टक्कर आई है और अलहमदुल्ला असा मुसलमान है। मैं बार बार ये गल करे सा कि मौत आनी है मर वेना है, अटैक होना है मर वेना है, जल्दला आया मर वैसी, तूफान आया मर वैसी, यानी मौत बार हक के मौत आनी है मर वेना है, लेकिन मौत भी इं दी आवे जो नहीं क्यामत अपने अल्लाह के अगू पेश देवाए, अल्लाह भी सारे उत्ते राजी होवे तो उदा रसूल भी राजी होवे। गल करन दा मकसद है, उस भाई नूं जवाब देवण दा मकसद यही आई, मेरे वीर तू बिल्कुल अपनी जात ठीक है, लेकिन हुण अलहमदुल्ला तू भी मुसलमान है, तन इस चीज़ की समझ लग गई उसी, क्योंकि नीह क्यामत नूं साडे उत्ते साडे नबी दा पहला ये सवाल होना है, तुसां मेरी उम्मत आए तो मेरी उम्मत दे उड़े टुकड़े हुंदे रहन, उड़े सारियां मावां भैणां नाल यहूदी के करींदे पैन, असां बेहोश हां, असां सुते हुए लोग हैं, लिहाजा ये मैं सिर्फ वीडियो इस वास्ते बणांदा पिया कि मैं अपनी हुकूमत दे अगू हाथ बन के दोबारा गुजारिश करना चाहता, बराए मेहरबानी अल्लाह वास्ते असा मुसलमान है, ठीक है, सारे कुल कुरान भी है, हदीस भी है, अल्लाह ताला ने सारे उत्ते जिहाद फर्ज किया है, लेकिन जिस तरह मुसलमानों नाल हुंदा पे है, अगर आज गजा दे विच हुंदा पे है, फलस्तीन च हुंदा पे है, कल हो सकता सारा टाइम आ वे सारिया इस तरह नाल इंजरे तो करें, लिहाजा अज टाइम है पूरी उम्मत मुसलमान दुनिया के भी सब तो ज़्यादा मुसलमान है, सब तो ज़्यादा मुसलमान हैं और सारे मुसलमान जड़ा ना बेहिस हो के बेगैरत हो के जड़ा ना वो बिल्कुल सुते पर उन्हें पता ही कौन इस चीज़ का कि उत्थे के होंदा पे। दुनिया के विच अगर कोई सुपर पावर है तो अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात तो वखरा कोई सुपर ताकत नहीं, अल्लाह ताला ने सानू ईमान दिता है, जुरत दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है और बाद पाकिस्तानी एटमी ताकत दी है, लेकिन आज भी फलस्तीन के लोग कैंदर दे बैठे हैं, पाकिस्तानी अंदर दे बैठे हैं, सारी जान अगर फलस्तीन वास्ते जड़ा ना अगर जिहाद का ऐलान किया वे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सन रस्ता दे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल यहूदी और कुफार नूं पता लग सी कि साडा कहना जड़ा ना जी ठीक मत्था है और ठीक टक्कर आई, लिहाजा मस्जिद अक्सा और बैतल मुकदस वो दी क्यामत नूं रब दी जात नूं के आखसन और अज के आदे पैन कि ये वो मुसलमान हैं जेडे बेहिस हो के और वेदे पैन
और आज भी ये यहूदियों झुक के सलाम करी दे पैन। आज ये टाइम ने अल्लाह दा वास्ता ने उठी वनो उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया से सब तो ज्यादा मुसलमान पैन। लिहाजा दी क्यामत नु ए न होवे जो अपने नबी का सामना भी ना कर सका है और अपने रब का सामना भी ना कर सका है, क्योंकि यहूदियों ने एंड कर दिता है। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मासूम बच्चे, उन्होंने तुसा फेसबुक से यूट्यूब से वेदे पे हो कि उन्होंने इतने इतने टुकड़े हुए, और असा उम्मत मुसलमान है जिस वास्ते अस उन्होंने वेख रहे हैं कि उन्होंने टुकड़े होंगे पैन तो असा बेहस होए पे। इस वास्ते असा अपने चाहण वालों देखने वालों ये पैगाम देना चाहते हैं भाईजान कि साढ़े भरावान उत्ते सारी मावं उत्ते उन्होंने उत्ते एक मुश्किल वक्त है। उस मुश्किल वक्त ही अगर अस उन्होंने साथ ना दे सकते तो मेरे ख्याल वात इस जिंदगी का फायदा कोई नहीं, वात इस जीवन नालों मौत बेहतर है। तो मौत ही यह जी हो जुद उत्ते रब भी राजी हो तो उदा रसूल भी राजी हो, क्योंकि असा जिस नबी की उम्मत है उस नबी ने आखिरी टाइम ही सारे वास्ते दुआ की थी। अपने रब सोने को कुछ भी नहीं मंगया, के मंगया सिर्फ अपनी उम्मत की खैर मंगी। उम्मत मुसलमान की एक बेटी ने सदाम हुसैन नू आके अपना दुख और दर्द दसिया, और सदाम हुसैन इस दुनिया तो लगे गए है लेकिन ता क्यामत ताई उस बंदे का ना रावण है। आज भी उसनू जड़ा ना लोग याद करी दे और अच्छे अल्फाज नाल अलहमदुल्ला याद करी दे। लिहाजा उम्मत दी बेटियां थान बार बार पुकार रही हैं, बार बार पुकार रही हैं अल्लाह वास्ते हुन टाइम ने, और खुदा दी कसम है माह रमजान जितनी दुआ मंगी अल्लाह मेरा अपनी गै भी मदद भेज जड़ा था। जिंदगी तो वत ओ गल है मुक वजनी है, मौत आवनी इंसान मर वजना है, लेकिन मौत भी यह जी आनी चाहिए जो मरण आए नहीं पत्तो जड़ा ना भी मेरे उत्ते मौत आई है नहीं क्यामत नू मैं अपने रब दे अगू जड़ा ना जी सुरखरू हो सा। लिहाजा इस वास्ते वीडियो बनावण दा यही मकसद आई भी सारे जितने देखण वाले या चाहण वाले फलस्तीन की आवाज़ उठाओ, क्योंकि उन्होंने तो मुश्किल की घड़ी है, ये मुश्किल वक्त है। तो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस सन बार बार पुकार रहे, उत्तों के मुसलमान उत्तों के बच्चे वो साढ़े नाल उम्मीद लाई बैठे, अल्लाह की जात तो बाद उन्होंने पूरा ईमान यकीन कहें उत्ते आई पाकिस्तान के उत्ते उन्होंने नजर आन। अज भी मैं एक बयान सवेरे उन्होंने सुने वो आदन खुदा की कसम है सन अज भी रब तो बाद जड़ा ना जी अल्लाह की जात तो बहुत गफूर रहीम है बाद उला शरीक जात है अल्लाह तो बाद सन पाकिस्तान के उत्ते उम्मीद हैं उन्होंने नजर आज भी सादे रहे जड़ा।